अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सजाद हुसैन यूट्यूब चैनल। मुझे एक दोस्त ने सवाल किया है, सवाल भी इंटरेस्टिंग है कि कितने किस्म की लिफ्टिंग्स होती हैं क्रेन में। वैसे अगर इस बात को मैं ऐसे देखूं तो हज़ारों किस्म की लिफ्टिंग्स होती हैं। डेली एक नया चैलेंज भी आपको मिल सकता है रिगिंग और ऑपरेटिंग में कि कभी क्या लोड आ जाए, कुछ कोई भी कुछ नहीं कह सकता। लेकिन असल में उसका सवाल ये था क्योंकि कुछ लिफ्टिंग्स ऐसी होती हैं जो डिफरेंट मानी जाती हैं, जैसे कि एक होती है टंडम लिफ्ट जिसको दो क्रेनों के साथ लिफ्ट किया जाता है, फिर कुछ होती है पिक एंड कैरी लोड उठा के चलना, इसमें भी फिर दो किस्म की आ जाती हैं। मोबाइल क्रेन आरटी में ये चीज़ भी पॉसिबल है, लेकिन उसकी भी आगे फिर कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं सेफ्टी के रिलेटेड कि कैसे उनको आपने करना है। और क्रॉलर क्रेन में तो ये होता ही है पिक एंड कैरी का, और टंडम और एक क्रेन टंडम भी साथ साथ कर रही है और एक पिक एंड कैरी भी करती है कि दोनों काम साथ में उठा के चलती भी है। और इसमें मेन बास्केट है वो भी एक है, तो सभी लिफ्टिंग ही हैं, लेकिन हर चीज़ की अपनी एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना, कि ऐसे नहीं है कि ये कुछ सवाल आप ये हमेशा याद रखें। क्रेन ऑपरेटर और रिगर ऐसे जॉब्स हैं ये एक दूसरे के साथ जैसे ऐसे मिले हुए हों। कोई भी बंदा जो ऑपरेटर होता है तो उसको रिगर के बारे में भी पूछा जा सकता है, उसके सवालों के बारे में, और रिगर से ऑपरेटर के रिलेटेड सवाल भी आ सकते हैं। इसीलिए हम जब आराम एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ इतने सवाल ज़्यादा होते हैं कि जिसमें से कितने सवाल रिगर के रिलेटेड होते हैं लेकिन ऑपरेटर से पूछे जाते हैं, और ऑपरेटर के रिलेटेड होते हैं और रिगर से भी पूछे जाते हैं। तो ये दोनों जॉब इस किस्म के हैं। अब उसने पूछा लिफ्टिंग्स के बारे में, तो हम शुरू करते हैं पहले टंडम लिफ्ट से ही, बल्कि टंडम से ही नहीं, पहले नॉर्मल लिफ्ट से शुरू करते हैं। एक तो नॉर्मल लिफ्ट है, जैसे कोई भी लोड है आप उसको सीधा वर्टिकल में उठाना है, कोई भी क्रेन लिफ्टिंग है आपने वर्टिकल में उठानी है, नहीं तो साइड स्लाइडिंग हो उसमें लैंड स्लाइडिंग, ये सॉरी साइड स्लाइडिंग होती है, क्रेन जैसे क्रॉस मारता है इसको, पता नहीं क्या कहते हैं जहन जमने कि अगर आपके सीधा उठाने के बजाय आपकी हुक इधर है और क्रेन का सेंटर इधर मान रहा है, जब उठाएंगे तो वो लोड आपका ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा, तो ये काम नहीं करना। हमें वर्टिकल में सीधा उठाना है, पहला रूल तो ये रामको हो या कोई भी कहीं भी हो क्रेन में ये रूल है। ये क्वेश्चन रामको में आते हैं इसीलिए मैं बार बार मेरे जहन में आ जाते हैं कि वो एग्ज़ाम में ये चीज़ें आती हैं। अच्छा, आपने सीधा उठाना है, ठीक है, नॉर्मल लिफ्ट जिसे कहते हैं। ये लिफ्टिंग में जो सेफ्टी की रिक्वायरमेंट होती है वो रिगर को भी पता होता है, ऑपरेटर को भी पता होता है कि आपने कैसे कैसे ये चीज़ें को फॉलो करना है। अगर उस पर भी मैं थोड़ा सा आप शॉर्टली बता देता हूँ, वीडियोस लंबी हो जाती हैं प्लीज़, ये नए लड़कों के लिए चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर जो पुराने लोग ये जानते हैं वो माइंड ना किया करें, अगर आपको नहीं चाहिए तो बेशक आप ना देखें, लेकिन ये चीज़ें जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। जैसे टैग लाइन यूज़ करना, वर्टिकल में लोड उठाना, और रिगर अगर ब्लाइंड एक ब्लाइंड लिफ्ट भी होती है उस पर भी बात करता हूँ। अच्छा, ये चीज़ें सारी नॉर्मल लिफ्ट में जो बिल्कुल हो रही हैं, सिंपल हो रही हैं, तो वो ये नॉर्मल लिफ्ट होती है। अब वही लिफ्ट अगर रात को हो जाए तो वो क्रिटिकल में आ जाती है, उसके लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है और काफ़ी चीज़। अगर वही लिफ्ट आप कन्वेंस स्पेस में आ जाती है किसी तंग जगह में या लाइव एरिया में, तो फिर उसकी कंडीशन भी चेंज हो जाती हैं, ठीक है। इसी तरह विंड स्पीड का मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब सेम वही लिफ्ट अगर 10 टन से ऊपर एग्जिस्ट कर रही है तो फिर उसकी कंडीशन चेंज हो जाएगी, फिर उसके लिए आपको रिगर 3 नहीं चाहिए होगा, रिगर 2 चाहिए होगा। सेम उसी तरह अगर आपकी वही लिफ्ट 40 टन से क्रॉस कर जाएगी तो फिर आपको रिगर 2 भी नहीं चाहिए होगा, रिगर 1 चाहिए होगा। तो हर चीज़ में एक ना एक आगे से चीज़ निकलती आती है और उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ा एक इलम है, जैसे जो जिस बारे में जानता है और जो नए लोग आते हैं तो फिर उनको इन चीज़ों की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं कि जैसे ये तो नॉर्मल लिफ्टिंग में बात कर रहा हूँ, अब यही लिफ्ट को अगर टंडम लिफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे, टंडम लिफ्ट आपने करनी है तो वो दो क्रेनों के साथ फिर होगी, वो फिर ऑटोमेटिकली ही क्रिटिकल लिफ्ट में आ जाएगी। तो उसकी फिर रिक्वायरमेंटें आगे और आ जाती हैं कि जी उसमें कन्फर्म है कि एरिया बैरिकेड तो दोनों लिफ्ट में करना ही करना है, हर लिफ्ट में एरिया बैरिकेड करना है। आपका वेदर भी कैसा होना चाहिए, विंड स्पीड भी नहीं होनी चाहिए, और क्रेन की सिमिलर क्रेन होनी चाहिए आराम को रिक्वायरमेंट में जो क्वेश्चन आता है। लेकिन क्रेन अगर आपकी अलग अलग भी हैं तो उसमें आपको रिगर 1 लाजमी है, वो क्रिटिकल लिफ्ट में आता है। लिफ्टिंग प्लान चाहिए,
छोटी लिफ्ट में लिफ्टिंग नहीं प्लान नहीं चाहिए, तो लेकिन वहाँ पे आपको लिफ्टिंग प्लान हर हाल में चाहिए। अब इसी तरह टंडम लिफ्ट हो गई, उसके बाद ब्लाइंड लिफ्ट जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो आँखों से नज़र नहीं आ रहा एरिया ऑपरेटर को, वहाँ पे आपने लिफ्ट करना है, तो वो उस लिफ्ट से फिर आपको यह है कि कम्युनिकेशन का आपका जो है ना वो एक इशू आ जाता है। ऑपरेटर से रिगर का डायरेक्ट आई टू आई कनेक्टिंग नहीं होती, तो वो उसको बीच में थर्ड बंदा कुछ और होता है जो वो सिग्नल थ्रू आउट पास कर रहा होता है, रिगर से लेके ऑपरेटर को दे रहा होता है, ठीक है। और वो भी रिगर ही होता है, लेकिन क्योंकि डायरेक्ट वैसे वन रिगर अलाउ है सिग्नल के लिए, लेकिन इस सिचुएशन में बीच में कोई बंदा होता है तो वो ऑपरेटर को सिग्नल पास कर रहा होता है। अदरवाइज आपको बैकअप रेडियो सिस्टम चाहिए कि जैसे कि अगर रेडियो सिस्टम से आपको दोनों साइड से उधर भी रेडियो इधर भी रेडियो, लेकिन बैकअप आपने कम्युनिकेशन उसका साथ होना चाहिए, उसके ज़रिए आप वो सिग्नल दे देते हैं, ठीक है। अब इसी तरह मेन बास्केट हो गई, मेन बास्केट बेसिकली लिफ्ट ही है, लेकिन वो भी फिर क्रिटिकल लिफ्ट में आ जाता है। वो इसलिए क्रिटिकल लिफ्ट में आ जाता है क्योंकि आपने आदमी लोगों को उठाना है और उसकी परसेंटेज डिफरेंट हो जाती है। वैसे आप 85% तक लिफ्ट कर सकते हैं क्रेन की जो परसेंटेज होती है, लेकिन अब वही मेन बास्केट आपकी क्रेन की कैपेसिटी वहाँ पर 50% हो तब ही आप लिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा बूम आप निकाल के और आप डाउन करेंगे कि आपकी खाली, क्योंकि मेन बास्केट खुद तो लोड नहीं होता, लेकिन अगर परसेंटेज आपने अप टू 50 हो जाएगी तो वहाँ पे वो आपको अलाउ नहीं, आपकी परसेंटेज 50% पे ही रहनी चाहिए, तभी आप मेन बास्केट लिफ्ट कर सकते हैं। और मेन बास्केट लिफ्ट करने के लिए मेन बास्केट जो होता है वो थर्ड पार्टी अप्रूव्ड हो, उसके बाद उसके स्लिंग्स भी अप्रूव्ड हों, और उसके बाद ऊपर सेफ्टी हॉर्नेस के लिए भी अलग से बेल्ट लगा होना चाहिए हुक में, और आपकी ने मेन हुक यूज़ करनी है। मोस्टली लोग कहते हैं कि मेन बास्केट है तो छोटी हुक यूज़ करके इजीली उससे हम जल्दी ऊपर नीचे आदमी लेके आएंगे जाएंगे, लेकिन सिविल प्रोजेक्ट में या कहीं भी हो भी जाता है, लेकिन इन द रूल ऑफ द आराम को जो मैं यहाँ से जो हम जो पढ़ते सीखते या हमें जो मालूम होती है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, आपने मेन बास्केट पे बड़ी हुक यूज़ करनी है, छोटी हुक एक्सेलरी हुक यूज़ नहीं करनी, बड़ी हुक यूज़ करनी है। और एक मेन बास्केट में दो आदमी आपके जाते हैं, और उसके बाद आपका जो क्या है कि जो ऑपरेटर है अगर वो आरामको प्रोजेक्ट में है तो उसका मेन बास्केट का एग्ज़ाम्स पास होना चाहिए, उसके कार्ड के पीछे अटैचमेंट्स जो रहती है उसमें मेन बास्केट मेंशन होना चाहिए, तभी वो मेन बास्केट लिफ्ट कर सकता है, अदरवाइज़ वो लिफ्ट नहीं कर सकता। ये डिफरेंट किस्म की लिफ्ट होती हैं जो हम करते हैं, और भी इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर जो दोस्त अपने हम मुझसे सवाल करते हैं, फिर उसी हिसाब से मैं जवाब देता हूँ, क्योंकि फिर यहाँ बैठ के मुझे भी बात चीज़ें जहन से निकल जाती हैं कि एक सवाल जो पूछा गया उसके बारे में मैं बात कर रहा था उसमें कुछ और चीज़ें होती हैं तो वो मेरे जहन से नहीं निकल जाती हैं। एक दोस्त ने एक सवाल और किया है, वो शॉर्टली मैं उसको बता देता हूँ कि कितने डिग्री तक बूम अप कर सकते हैं या कितने डिग्री तक डाउन कर सकते हैं। सिंपली अगर आपका बूम क्लोज है, ड्राइविंग करनी है, तो आप कितना भी डाउन करें उसमें तो आपको पता है कोई इशू है नहीं, लेकिन अप के लिए आप चाहे काम करें या ना करें 82 पे ये अक्सर किरणों के बूम्स लॉक हो जाते हैं, और वो का मसला नहीं होता, आप मैनुअली उधर हर करंट का अपना सिस्टम दिया होता है उससे आप अनलॉक करके फिर डाउन कर देते हैं, प्लेस से ऊपर 82 से ऊपर आप नहीं कर सकते। मोस्टली हम 80 तक ही करते हैं, 80 से भी डाउन रहता है थोड़ा करते हैं, लेकिन अगर आप वर्किंग की बात कर रहे हैं कि बूम एक्सटेंड करके आपने वर्किंग में कितना डाउन कर सकते हैं, 30 तक आप डाउन कर सकते हैं, 30 से ज़्यादा डाउन रिस्की हो जाता है। सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी क्रेन कैपेसिटी शो कर रही होती है 30 से भी नीचे, लेकिन वो थोड़ा रिस्की हो जाता है, और इतना आपको फिर उसके बेहतर है, इतना डाउन करने से बेहतर है कि आप बूम एक्सटेंड कर लें ताकि आपको एंगल जो है ना थोड़ा मेंटेन रहे, 30 से ज़्यादा डाउन ना ही जाए तो अच्छा है। अदरवाइज़ क्रेन का जो कंप्यूटर है आपको आपकी उधर ग्रीन लाइन जो परसेंटेज चल रही होती है आप 85% तक डाउन कर सकते हैं, वैसे तो 90 और 100 तक हो सकता है, लेकिन हम एज़ पर सेफ्टी रूल बात करते हैं ना, तो 85% तक आप परसेंटेज अपने कंप्यूटर पे चेक करते रहें, 85% तक आप डाउन कर सकते हैं, और आपका भी सेम ऐसे ही है, आपका कोई इशू नहीं है, लेकिन 82 पे आपका बूम ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, इससे ज़्यादा अप नहीं होगा। अगर आपने बूम ज़्यादा निकाला हुआ है तो फिर आप पहले ये चीज़
प्लान करके बूम एक्सटेंड करें कि मुझे कहाँ से लोड उठाना है और कहाँ पे शिफ्ट करना है, तो उस हिसाब से आप उसके बूम निकालें और रेडियस और ये चीज़ें चेक कर लें, ताकि इन द सिचुएशन जब आप काम स्टार्ट करें तो आपको ये मसला ना हो। क्योंकि अभी जितनी क्रेनें आ रही हैं, जो नए मॉडल्स की ट्रक माउंट बड़ी क्रेनें आ रही हैं, टेलीस्कोपिंग जो जितनी भी है उनकी पिनिंग अनपिनिंग है, तो उनका बूम एक्सटेंड आप लोड उठा के भी नहीं कर सकते, और वैसे भी ये सही नहीं है। छोटी क्रेनों में आरटी में ये चीज़ें चल जाती थी, लेकिन बेसिकली आप जो पहले एक बार डिसाइड कर लें कि मैंने ये लिफ्ट यहाँ से उठा के यहाँ रखनी है, तो आप उसकी कैलकुलेशन, इसी चीज़ को बेसिकली प्लान कहते हैं, लिफ्टिंग प्लान। लेकिन वो एक दोस्त ने लिफ्टिंग प्लान के बारे में सवाल किया है, उस पर फिर डिटेल से वीडियो बना दूंगा। अब यही चीज़ आपने पहले डिसाइड कर लेनी है कि लोड कहाँ से उठाना है, कहाँ रखना है, उस हिसाब से आप उतना ही बूम निकालें, उतना ही आप उसकी क्रेन की कॉन्फ़िगरेशन सेट करें, ताकि ड्यूरिंग द लिफ्ट आपको कोई प्रॉब्लम ना बने। तो उम्मीद करता हूँ इस दोस्त को भी अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। मज़ीद कोई आपके सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।